नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैसी टेक में। थंबनेल देख करके आपको तो पता चल ही गया वो क्या है प्रोडक्ट। देखिए कुछ इस तरह का पैकेजिंग में आता है, तो चलिए इसे अनबॉक्स करना शुरू करते हैं और सारा फीचर्स एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का पैकेजिंग में आता है, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। पैकेजिंग काफ़ी कमाल की है और ये डब्बा खाली। और ये रहा वॉच हम लोग का, इस तरह का पैकेजिंग है इसका, रियलमी वॉच लिखा हुआ है। और पीछे की साइड देख ले तो इसमें सारे इसके हाइलाइटिंग फीचर्स लिखे हुए हैं। लार्ज कलर डिस्प्ले, वॉच स्ट्रैप सिलिकॉन का है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्रैकिंग है, SPO2 मतलब ऑक्सीजन लेवल आपको मॉनिटर कर सकता है, हार्ट रेट मॉनिटर कर सकता है, अच्छे स्पोर्ट्स मोड है और बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, कहीं पे कुछ कट लगाने के है ही नहीं, जैसे फ़ोन के डब्बे होते हैं वैसे नहीं है सील काटने के लिए। और ये डब्बा खुल गया। स्ट्रैप दो टाइप के थे, एक फैशन स्ट्रैप था, एक क्लासिक स्ट्रैप था। मैंने फैशन स्ट्रैप मंगाया है, आप देख सकते हो। क्लासिक स्ट्रैप में वो होता है कि मतलब घड़ी, जो नॉर्मल घड़ी हम लोग पहनते हैं ना फीता वाला, वैसा टाइप का। ये फैशन स्ट्रैप है तो ये बस टक करना होता है। बाकी हमें इसमें मिल जाता है मैग्नेटिक है ये वॉच का चार्जर, USB टू मतलब चार्जिंग, ये चार्ज करने के लिए। खोल के देख लेते हैं कितना लंबा है, बस आप देख ही सकते हो कितना लंबा है, ये एक हाथ का होगा। बाकी आ जाते हैं अपने वॉच के पास, तो वॉच का स्टिकर हटाते हुए देखते हैं। इसमें एक ऊपर से पहले से ही इसमें इसका स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है इनबिल्ट, इसको भी उखाड़ लेंगे, लेकिन पहले इसका बाकी सब देख लेते हैं फीचर्स। देखिए पीछे की ओर देखेंगे तो ये हार्ट रेट सेंसर्स और SPO2 लेवल सेंसर्स लगे हुए हैं। और ये चार्जिंग पोर्ट्स के लिए है, दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। देखिए ये मैग्नेटिक है, ऐसे करके बस चिपका लीजिए। बाकी मैं आपको स्ट्रैप लगा के दिखा देता हूँ, डब्बे कर लेते हैं साइड। दोस्तों हमें ये स्ट्रैप जो है, ये आप निडल देख रहे हो उसी को ठेल करके लगाना पड़ता है, थोड़ा सा धकेलना पड़ता है। तो देखिए पहले इस तरफ से लगा लेंगे हम लोग और फिर इस निडल को थोड़ा सा पीछे खींचेंगे और ये टक होकर लग गया, हो गया। अब लगा लेता हूँ मैं अपने हाथों पर। दोस्तों आपको अपने साइज के हिसाब से इसे टक करना होता है, कौन से होल में आपको लगाना है उसको करना होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है होल, उसमें ऐसे करके आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। और ये देखिए कुछ इस तरह का आएगा, आप देख सकते हो। तो चलिए इसे पेयर कर लेते हैं। पेयर करना भी काफ़ी आसान है, वो ऐप रियलमी लिंक, इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें अपना अकाउंट बना के रजिस्टर करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा, रियलमी जो भी है यहाँ प्लस दिख रहा होगा, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो बैंड है कि वॉच है, तो मेरा तो वॉच है, तो वॉच में कौन सा वॉच है, तो रियलमी वॉच है। इसे ओके करने के बाद आपको आना होगा अपने स्मार्ट वॉच में। स्मार्ट वॉच में आने के बाद आपको अपना ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन करना होगा। स्मार्ट वॉच में आने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे कनेक्ट ऑन करना होगा। तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस आ रहा है, थोड़ा देर लगता है दोस्तों, एक आध दो मिनट का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो देखिए दोस्तों इसमें आ गया है रियलमी X7 5G, इसके साथ हमको पेयर करना होगा। पेयरिंग स्टार्ट हो गया है, तो पेयर कर दिए, कनेक्ट हो रहा है, एक्सेस लेगा, ओके कर दिए हम लोग। दोस्तों मैंने इसे पेयर कर लिया है, आप देख सकते हो ये पेयर हो चुका है। बाकी आप मतलब इसमें कैलकुलेटर, बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप कैलकुलेटर कर सकते हो, देख लो कैलकुलेटर मल्टीप्लाई वगैरह। और फिर बैक करने के लिए फिर से क्लिक करना पड़ता है। अब बाकी सब QR कोड है इसका, स्टॉपवॉच वगैरह, बहुत सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हो। ब्यूटी म्यूज़िक है, और बहुत कुछ है इसमें, तो आप कर सकते हो। और बाकी हार्ट रेट की बात कर ले दोस्तों, मैंने
पूरा यूज़ किया तो सही है, मतलब हार्ट रेट सही तरीके से बता देता है ये। थोड़ा इसका टच रिस्पॉन्स जो है दोस्तों वो थोड़ा स्लो है फ़ोन के मुकाबले, थोड़ा टच रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है आप देख सकते हो। तो दोस्तों मुझे ये लिस्ट सिस्टम जो होता है वो नहीं पसंद आया, मैंने ग्रिड सिस्टम कर दिया इसको। और हार्ट रेट आप देख सकते हो, हार्ट रेट स्टार्ट हो रहा है, तो हार्ट रेट स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी एक्यूरेट है। मैंने 2-4 बार ये यूज़ किया, एक्यूरेसी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, मतलब लगभग ठीक है, 67 बीट्स पर मिनट। अब ब्लड प्रेशर मेरा 79/122, मतलब 122/79 सॉरी। तो आप देख ही सकते हो यही है, और बाकी स्टॉप आप इस पेडोमीटर है जिससे आप अपना स्टेप्स नाप सकते हो, कैलोरीज कितने बर्न किए वो बता सकता है, और कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। बाकी आप कौन से स्पोर्ट्स मोड में हैं, इंडोर रनिंग है क्या है, 14 टाइप के इसमें स्पोर्ट्स मोड है, तो आपका स्पोर्ट्स मोड में कैसा हार्ट बीट होता है वो सब इसमें बताएगा, ठीक है। तो आप डेट कैलेंडर यहाँ से म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, तो आप ख़रीदो इसे तो पता चल जाए। दोस्तों बात कर ली इस वॉच की, तो मुझे ये वॉच बिल्कुल पसंद आया, मज़ा आ गया इस वॉच को देख करके, और मैंने इसे ऑफ़र में 3000 में बाई कर रहा था, और आपको चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, टिल देन कीप स्माइलिंग।